बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लास टू की मैथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 25, यूनिट नंबर 2 है टॉपिक एडिशन। सब टॉपिक है एडिशन ऑफ थ्री डिजिट्स नंबर, नो कन्वर्जेशन। ये अब थ्री डिजिट्स नंबर्स, पहले हमने वन डिजिट वाला किया, फिर टू डिजिट वाला, अब है थ्री डिजिट नंबर्स को कैसे हमने प्लस करना है, ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये देखें, यहाँ पे ये 100 बॉक्स की ये है, ये पूरा बना हुआ है ब्लॉक सा, ये है टेंस है, थ्री टेंस एंड ये टू वंस है, ठीक है। ये कितने हमारे पास हो गए, ये 132 है, जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब 100 जो है यहाँ पे कितने, यहाँ पे बीट्स हैं, ये वन है, ठीक है। यहाँ पे टेंस में ये थ्री रिंग्स डाले हुआ और वंस में ये टू है, कि 132 एंड इसको प्लस करना है किसके साथ, नीचे कितने हमारे पास हंड्रेड हैं, ये टू हंड्रेड हैं एंड फोर टेंस हैं एंड वन जो है वो वंस है। यहाँ पे हमारे पास ये 200, 4 टेंस एंड 1, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है। ये थ्री डिजिट्स है को प्लस करना मैं आज आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, ये हमने थ्री कॉलम्स बनाने 100, टेंस एंड वंस के, जैसे कि यहाँ नीचे उन्होंने एग्जांपल में बताया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, ये 2 है एंड 1 है, जब 2 और 1 को हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। आप चाहे लाइन सिखा के चाहे फिंगर्स पे इसको आप लोगों ने काउंट करके लिखना है। 2 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 3 हमारे पास आंसर आएगा एंड 4 एंड 3 को जब हम ऐड करेंगे ये 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, 7 आएगा। 2 और 1 3, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया इनको कंबाइन करने से 373। चलें अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ ऐड दीज, अब इनको हमने ऐड करना है। अब ए पे देखें, 100 टेंस और वंस, ये थ्री कॉलम्स नहीं है हमें। 1 एंड 6 को हमने जब ऐड किया, 6 और 1 7 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है। 4 एंड 2 6 होता है, 4, 5 एंड 6, ठीक है। इसको जब ऐड किया तो 6 आ गया, 4 और 3 7 होता है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, तो इसका आंसर आ गया 767। अब बी में देखें, यहाँ पे भी हमारे पास थ्री कॉलम्स हैं और फर्स्ट पे है यहाँ पे 2 एंड 4, जब हम 4 एंड 2 को करेंगे, हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। 6 एंड 3 9 होता है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करने से 9 आंसर आया, तो यहाँ हम 9 लिखेंगे। 5 एंड 2 7 होता है, 5, 6, 7, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, 796 इसका आंसर आ गया। अब सी में देखें, 6 एंड 3 को जब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 9 एंड सेम ऐसे ही जब हम 3 और 6 को ऐड करेंगे तो 9 ही हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे 6 है, इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 6 वैसे का वैसे यहाँ नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 699। अब डी पे देखें, यहाँ पे 1 है, 8 है, 8 और 1 9 होता है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। ऊपर जो टेंथ पे हमारे पास, यहाँ फर्स्ट पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, टेंथ पे हमारे 0 है, तो 0 को 1 के साथ ऐड नहीं करेंगे, 1 जो है वो हमारा वैसे नीचे आ जाएगा। हम 100 में देखें, यहाँ पे 6 और 1 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 719। यहाँ पे ई पे देखें, यहाँ पे 5 एंड 3 को जब ऐड करने से 8 आता है, 5, 6, 7 है, यहाँ पे 8 यहाँ इसका आंसर आ गया। अब 6 और 2 पे ऐड करने से 8 आ गया, 7 और 1 भी 8 होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 888। तो स्टूडेंट, ये बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने, 4 क्वेश्चन ही आप लोगों ने खुद यहाँ से नोट करने, यहाँ से देख के अपनी बुक्स पे, फिर इसकी नोटबुक पे अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।